बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आपको चैप्टर नंबर 5 के मैंने फॉर्मूले करा चुका हूँ मैं आपको। अब मैं आपको इसके आंसर कराने वाला हूँ, सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो मैं आता हूँ 5.1 पे। तो 5.1 में पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अब इन्हें दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन Does the list of number is involved make arithmetic progression and why? मैं नहीं पढ़ता हूँ, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? इसमें क्या करना है? तो आपको AP मतलब arithmetic progression है, और ये है क्यों है तो ये बताना है आपको। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में ही फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं क्या करूँ हिंदी में पढ़ूंगा बाद में। तो मैं पहले पढ़ता हूँ इंग्लिश में। द टैक्सी फार आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फार इज रेट 15 rupees फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रेट 8 rupees फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हिंदी में पढ़ता हूँ। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 rupees है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 rupees है। इसमें बोला गया है कि जो प्रत्येक फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो किराया था वो कितना था, 15 rupees था। और सेकंड जो किलोमीटर के लिए आएगा तो उसमें 8 rupees एडिशन हो जाएगा, मतलब तो जुड़ जाएंगे। तो इसको मैं सोल्यूशन कराता हूँ इसका। तो आप लिखिए सोल्यूशन। तो मैंने क्या बोला था, जब टैक्सी चलाएगा है ना, मतलब हम लिख सकते हैं गिवन, हमें दिया हुआ है गिवन। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन मतलब दिया है, दिया है हमें। क्या दिया है हमें? दिया है टैक्सी फॉर 1 किलोमीटर, टैक्सी फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में टैक्सी का किराया कितना है, ये लग रहे हैं 15 rupees। कितने लग रहे हैं ये? 15 rupees लग रहे हैं। अब मैंने बोला जो टैक्सी फॉर ऑफ द सेकंड किलोमीटर के लिए, किसके लिए? सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, इसमें 15 rupees तो लगेंगे ही सही, बट उसमें क्या होगा, 8 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 ऐड हो जाएगा। तो अगले किलोमीटर के लिए टैक्सी फॉर 2 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना होगा, ये 15 rupees तो था ही सही, बट इसमें 8 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 23 rupees हो जाएगा। सेकंड किलोमीटर के लिए भी जाएगा। अब नेक्स्ट रोड चलेगा 3 किलोमीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए चलेगा तो वो फिर ऐड हो जाएगा। तो उसके अलावा टैक्सी फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया क्या होगा थर्ड वाले के लिए? ये इतना तो चली गया 2 किलोमीटर के लिए, इतने रुपए तो दे दिए, इतने रुपीज तो दे दिए, बट इसके बाद 3 किलोमीटर चलेगा, इतने रुपए दे दिए, इनमें और ऐड कर दो 8, तो इनमें और ऐड कर दिए कितने, 8 ऐड कर दिए, तो कितने हो गए, 31 हो चुके हैं। अब निकालते हैं फोर्थ वाले के लिए भी, निकालते हैं 4 किलोमीटर के भी निकालते हैं। तो फोर्थ टैक्सी फॉर 4 किलोमीटर मतलब इसमें ये तो लगे गए थे, इतने रुपीज तो लगे गए, इसमें 8 और ऐड हो जाएगा तो 39 हो जाएंगे। इसमें कितना हो जाएगा आपके, 39 हो जाएगा, इसमें 39 हो गया। तो फोर्थ किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है, इतना लग ही रहा है 39, बस ये हो गया। उसके बाद अब इसमें क्या करना है आपको, आपको इसमें ये करना है कि आपका किराया कितना लगा टैक्सी का, वो निकालना है आपको। किराया तो बस लग गया 4 किलोमीटर भी निकाले, आगे भी निकाल सकता हूँ, मेरे को भी ज्ञात करना, यहाँ पे फाइंड करना है कि ये एपी है या नहीं, मतलब मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं,
मेरे को ये फाइंड करना है, तो मैं फाइंड करने मैं इसकी जितनी भी वैल्यू आई है मेरे पास, फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तो ये फर्स्ट की 15, सेकंड की 23 और 31 और फोर्थ की आई है 39। ये आगे भी जा सकती है, आगे जितना किलोमीटर जाएगा उतनी आएगी। तो यहाँ तक लिख दिया मैंने। उसके बाद आप, मैंने क्या बताया था आपको, ये बताया था कि एपी किसे बोलते हैं, जिसका डिफरेंस क्या हो, या तो पॉजिटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस मतलब सार मंत्र बताया था, क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, शून्य बोले तो। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। अब यहां से कितने बढ़ रहे, 8, इसमें भी 8 बढ़ रहे, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए सब में प्रत्येक किलोमीटर के लिए, तब तो ये क्या होगी, एपी होगी। तो इसमें क्या लिख दूंगा, इट इज एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका होगा। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इसका मींस मैं हिंदी में पढ़ता हूं इसको, मतलब आपके क्या था, किसी बेलन मतलब सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु में निकाले वाले पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ लिया, हिंदी में पढ़ लिया, आप क्या करो, आपकी बुक होगी या इंग्लिश मीडियम में होगी, आप हिंदी मीडियम होगी तो पास लेके बैठो और उसमें पढ़ते चलो। तो मैंने बोला कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम, मतलब जो अमाउंट ऑफ प्रेजेंट सिलेंडर प्रेजेंट है और उसमें 1/4 क्या करनी है, रिमूव करनी है, तो सिलेंडर एट अ टाइम इससे कितनी एयर बचेगी, तो ये एपी है या नहीं है। तो मैंने माना लेट वॉल्यूम, मतलब माना कि इसमें आयतन कितना है, इसका वी आयतन, मैंने मान लिया इसका कितना है, वी लीटर मान लेता हूं, लीटर मैंने मान लिया, लीटर मैंने मान लिया, क्या मैंने मान लिया, लीटर मान लिया। अब मैं ईच स्ट्रोक के लिए, मतलब प्रत्येक स्ट्रोक के लिए मैं कह रहा हूं वैक्यूम पंप रिमूव करना है मेरे को 1/4 रिमेनिंग, फिर बचेगी वो रहेगी हर बार। ठीक है, तो पहले क्या आई थी, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर, इसलिए तो अब क्या होगा, इसमें क्या थी 1/4 रिमूव करनी है, तो मेरे पास क्या थी, ईच स्ट्रोक के लिए 1/1 में से 1/4 रिमेन करनी है, मतलब इसमें निकालनी है, तो इसका आ जाएगा, तो इसको कॉमन ले, इसको एलसीएम लेके तो यहां से सोल्व करो, तो 4 - 1/4 ये आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 ये क्या है, इसमें 3/4 पार्ट रिमेन, जो बचा है, कितना बचा है सिलेंडर, 3/4 पार्ट बचा है अभी, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, देयरफॉर वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम फर्स्ट कितना था, वॉल्यूम वी फर्स्ट कितना था, वी था बट वन था ना इसमें, वी का वन, इसमें कितना रिमेनिंग निकाला, 3/4 कितना निकाला सेकंड बार में, 3/4 उसके बाद सेकंड बात है, सेकंड में क्या करना पड़ेगा, वही इसमें तो रहेगा 3/4 वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा इसमें, उसके बाद नेक्स्ट वैसे ही इसमें हो जाएगा 3/4 तो रहेगा, वी क्यूब हो जाएगा, और आगे भी निकाल सकते हो आप, वी फोर हो जाएगा, डॉट डॉट करके ये आपकी क्या बनी। अब मैं आपको बता सकता हूं, इट इज क्लियरली वी कैन सी देयर एडजस्टर इज सीरीज do not have common difference between their therefore is not a, it the series is not AP, it is not AP, ये AP नहीं है, इसमें देखो common difference same नहीं आ रहा आपका, it is not AP because इसमें क्या है, common difference is different difference, इसमें क्या है, सार अंतर क्या है, different difference आ रहा है आपके, तो it is not AP because it is common difference
डिफरेंस डिफरेंस तो मतलब यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपको पता लग गया होगा, तो आप भाई हो, आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको नोट कर लीजिए। तो आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड अपना, फर्स्ट में कितना कौन सा चल रहा था, थर्ड चल रहा था, इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, आ चुका होगा आपके, तो मैं पढ़ता हूं। द कॉस्ट ऑफ डाइजिंग अ व्हील आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डाइजिंग व्हेन इट इज कॉस्ट रेट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 15 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। मींस मैं हिंदी में पढ़ता हूं, हिंदी में है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, क्या प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं में खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। मतलब ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डाइजिंग विद एवरी मीटर इज डाइजिंग इन, मतलब कुआ खोद रहे हो आप, एक कुआ मतलब कुआ खोद रहे हो, मतलब डाइजिंग बोले तो कुएं को, उसको खोदने में आपको क्या मिल रहा, उसको खोदने में 150 रुपए मिल रहे हैं फर्स्ट मीटर में। अब सेकंड मीटर में 50 रुपए और ऐड कर देना आपको, फिर 50 रुपए ऐड किए तो आपके कितने हैं 200 हुए, फिर 203 किलोमीटर, फिर 3 मीटर और खोदोगे आप तो 3 किलोमीटर, 3 मीटर में आप कितने ऐड कर दोगे, तो इसमें 200 में 50 ऐड कर दोगे तो वो हो जाएंगे 250। तो ऐसे ही करते एपी बनाते जाएंगे। तो यह एक एपी होगी, तो मैं इसको बोर्ड पे प्रेजेंट करता हूं। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ डाइजिंग अ विल फॉर फर्स्ट टाइम में कितना लगता है इसका, 50 फर्स्ट मीटर 150, कितना 115 रुपीस लगता है, और मतलब पहले खुदाई में आई लागत कितनी है 150 रुपीस पहली खुदाई फर्स्ट मीटर, पहले खुदाई में आई लागत किसमें ना आ रहा है मीटर में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं कॉस्ट ऑफ डाइजिंग अ विल फॉर सेकंड मीटर। तो सेकंड मीटर में मैंने बोला फर्स्ट मीटर में 115 रुपीस रहेंगे, बट सेकंड मीटर में क्या हो जाएगा आपका 15 रुपीस और एड हो जाएगा इसमें, तो मतलब 115 था उसमें 15 और एड हो गया। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, तो दूसरे मीटर की खुदाई में आई लागत, ठीक है। अब थर्ड की ओर निकाल देते हैं कॉस्ट ऑफ डाइजिंग बिल फॉर थर्ड मीटर के निकाल रहे, इतने तो लग ही गए थे 150 और 50 कितना होता है, ये होता है 200, तो 200 इतने तो लग ही गए थे, पर थर्ड मीटर में कितने लगेंगे इसमें, थर्ड मीटर में और बढ़ जाएगा, थर्ड मीटर में कितने लगेंगे इसमें 50 रुपीस और बढ़ जाएंगे, तो 200 प्लस 50 तो ये होगा 250। तो तीसरे मीटर की खुदाई में आई लागत कितनी है 250। अब मैंने फोर्थ भी निकाल सकता हूँ, फोर्थ भी इसके आगे बढ़ेगा तो मैं निकाल सकता हूँ आगे। तो मैं यहां पे आपको बताना, इट इज क्लियरली ये क्या है, ए बी है, तो मैंने पहले बताओ, मैंने क्लियरली ये क्लियर है क्योंकि 150 आ गया पहले, उसके बाद सेकंड 250 आ गया, अब ये आ जाएगा 300 आ जाएगा आगे आगे आप निकाल सकते हो, मतलब 50 एंड 8
ऐड करना है। तो यहां पे क्या होगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एपी इज कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो यह क्या होगी, एपी होगी। ठीक है, तो यहां एपी सार्वंतर समान ए, यह एक एपी होगी, इट इज। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ, लास्ट बचा है अपना फोर्थ। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना है कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। मैं पहले इसके बारे में समझा देता हूं, फिर फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, पहले तो आपने समझा होगा, सुना होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज, मतलब ब्याज हर साल का ब्याज सेम आता है उसमें। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल का, हर ईयर का जो जो इंटरेस्ट होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैं इसका फॉर्मूला बताना चाहता हूं, कंपाउंड सी आई, सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो साधारण ब्याज। तो ये क्या होगा, ये होगा पी प्लस आर अपॉन 100 टी। यहां पे की क्या है, यहां पे पी है प्रिंसिपल अमाउंट, ये क्या है अमाउंट, मतलब मूल धन जो दिया होगा क्वेश्चन, कितना मूलधन पे दे रहे हो आप। ये आर क्या होगा, ये आर होगा रेट, रेट उसके बाद तुम्हारे पास टी क्या होगा, ये ईयर, ये होगी दर, ये हो गया समय। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको नोट कर लिया होगा आपने, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन इज रुपीज 1000 इज डिपॉजिट इन कंपाउंड इंटरेस्ट इन 8% एनुअम। तो मतलब इसमें हिंदी में पढ़ता हूं मैं, तो खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, तो सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो मैंने क्या करी, मैंने किसी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैंने उसको इंटरेस्ट दे दिया, मैंने कितने दिए 10,000 रुपए दी थी। तो मैं एक जानना चाहता हूं, वी कैन नाउ, वी कैन नाउ इज पी डिपॉजिट आर, मैंने क्या किया पी डिपॉजिट की, क्या डिपॉजिट किया, पी मतलब रुपीस, कितने रुपीस करे वो करे। तो मैंने किए, तो यहां पे दिया हुआ है पी, पी बोले तो क्या बोलता हूं आप, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट दिया है ये 10,000 दिया, 10,000 रुपीस दिया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपीस। तो उसके बाद आपको क्या दिया, रेट, अब रेट भी लिख लीजिए, रेट क्या होती है, ये दिए 8% भी दिया हुआ है, 8% एनियम कितने साल के लिए दिया हुआ है, ये आपको निकालनी है एवरी ईयर के लिए। तो इसमें आपको फाइंड करना है एपी है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसमें फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था पी, इसमें होता है फॉर्मूला, मैंने बताया था सी आई, क्या होता है सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो चक्र वृद्धि ब्याज, इसका क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, लिख लीजिए। तो पी वन प्लस आर अपॉन 100 टी, टी क्या है यहाँ पे टाइम, आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है, आर यहाँ पे रेट। तो यहाँ पे इसमें ईच अमाउंट के लिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे पहले अमाउंट कितना दिया है फर्स्ट ईयर के लिए, मैं निकालता पहले फर्स्ट ईयर के लिए, फिर निकालूंगा मैं सेकंड ईयर के लिए, फिर निकालूंगा थर्ड ईयर के लिए, ऐसे निकालता जाऊंगा। उसके बाद हर साल का जो मैं चेक करूंगा तो उससे पता लगेगा ये एपी है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं। तो फर्स्ट साल का मैंने पी, पी क्या दे रखा है आपने 10,000 एंड वन प्लस आर, आर क्या होता है ये हो गया 8% अपॉन सो वन साल के लिए एंड कोमा अगले साल अगले ईयर के लिए निकालते हैं 10,000 वन प्लस 8,000 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, उसके बाद 10,000 वन प्लस 8 अपॉन 100 का क्यूब,
दो टू थ्री अलग अलग मतलब कॉमर्स ये सिंपल इंटरेस्ट हर के लिए सेम आता है बट कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है। यहाँ पे वन है यहाँ पे स्क्वायर तो क्या आएगी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो इससे क्या पता लगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट आता है हर ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए अलग है सेकंड ईयर के लिए अलग है तो फर्स्ट ईयर के लिए देखो यहाँ पे अलग आएगा इसके भी अलग आएगा इसमें भी अलग आएगा हर ईयर के लिए अलग आएगा। तो क्या लिखोगे आप इट इज नॉट एपी यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसके तीन फोर्थ क्वेश्चन करा दिए थे। अब आ रहा है बुक का आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है आपके मेनी क्वेश्चन है तो मैं पढ़ता हूँ पहले आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा इंग्लिश वाला। तो राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन अस फॉलो। मतलब आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है ए और आपको कितनी फोर टर्म ज्ञात करनी फाइंड करनी इसमें एंड एपी दे एपी एन का फॉर्मूला आपको लगाना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं मैं यहां पे ए की वैल्यू क्या दे रखी है ए की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है ए की वैल्यू 10 दे रखी है। और सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट गिवन क्या लिखना है आपको गिवन गिवन क्या दिया ए की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है और बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको आपको b की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। और आप कितनी क्या फाइंड करना है आपको फोर टर्म याद करके तो आपको ab क्या होती है ab a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट मेनी कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ये कैसे होती है a a + d a + 2d a + 3d a + 4d ये मेनी कहां तक भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जा सकती है। आप a a1 aui a बराबर कितना है आपके a1 10 है। उसके बाद a1 में क्या जोड़ना है आपको आपको a में जोड़ना है क्या 10 जोड़ना है। तो यहां पे a में क्या जोड़ोगे आप 10 जोड़ दोगे तो a बराबर यहां पे आपके क्या है 10 है। तो यहां 10 लिख दिया आपके तो a बराबर क्या है आपके 10 है कोमा प्लस d क्या है 10 है तो 10 हो गया तो 10 10 20 हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये 20 होगी यहाँ फिर लिख देता हूँ तो a 10 एक 2 into 10 तो यहाँ पे 20 हो जाएगा 20 10 20 addition कितना जाएगा 13 हो जाएगा। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे निकाल दिया मैं 10 और 3 की जगह 3 लिख दिया into d क्या है आपके पास 10 है यहाँ 30 plus ये कितना आएगा 40 हो जाएगा। तो आगे आप निकाल सकते हो आपने 1 2 3 4 टर्म याद करनी है 4 टर्म फोर्थ भी टर्म क्या आएगी आपके पास 50 आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी 50। तो a1 क्या निकाला a2 क्या निकाला 20 a3 क्या निकाला आपने 30 a4 क्या निकाला आपने 40 तो a5 क्या निकाला आपने 50। तो यह ap के आपने फोर टर्म ज्ञात कर लिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सही तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको ए की वैल्यू क्या दे रखी है ए इक्वल टू -2 एंड उसके बाद क्या दे रखा है डी बराबर का 0 दिया हुआ है। डी क्या है आपको डी क्या है कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट टर्म है। तो आपकी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप जानते होंगे a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट कहां तक भी जा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जो कॉमन डिफरेंस है ना वो 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और माइनस मतलब बता दिया मैंने और शून्य मतलब 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो आपके ये है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये 0 है तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है तो ये भी तो है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मैंने बताया था a1 क्या होगा तो यहाँ पे क्या हो गया a1 तो a1 क्या है आपके माइनस का 2 आपके मैंने बताया था फर्स्ट जनरल टर्म क्या बताई थी मैंने आपको जनरल टर्म a + d a + 2d a + 3d
ए प्लस फोर डी डॉट डॉट आपकी जा सकती है। तो फर्स्ट टर्म ये क्या है, ए ए वन ए, ये क्या हुआ है माइनस टू, ए वन क्या गया, तो आपको ए टू ज्ञात करोगे, ए टू फाइंड करने के लिए ये क्या आ गया, ए टू ये आ गई, तो ए वन प्लस डी, ए क्या है आपके पास माइनस का दो, ये जीरो है तो ये भी माइनस का टू आएगा, ए थ्री भी ऐसे आएगी आपके पास, ए थ्री क्या आएगी आपके पास ए प्लस टू डी, तो माइनस टू प्लस टू इंटू जीरो, तो शून्य से जीरो करेंगे तो माइनस टू, तो आपके हर बार क्या आएगा यहां पे आपके जीरो आएगा, तो यहां पे ये क्या बना फर्स्ट टर्म माइनस माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना थर्ड नंबर का, तो थर्ड नंबर में आपको दिया हुआ है, स्क्रीन पे आ चुका होगा आपकी, ए फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए बराबर दी गिवन है, ये आपकी क्या है गिवन है, दिया गया है ए इक्वल टू फोर एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू आपके दिया है माइनस थ्री दिया हुआ है, तो इससे आपको फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है, फर्स्ट टर्म फोर टर्म ज्ञात करनी है, मतलब आपको फर्स्ट फोर टर्म ज्ञात करनी है, इसमें फाइंड करनी है मतलब, तो फाइंड करनी फोर टर्म, तो आपको पता होगा एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी क्या होती है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर कोमा कोमा डॉट 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 ए एन, जहां तक ये होगी वहां तक आएगी, उसके अलावा मैं आपको बता था फर्स्ट टर्म ए वन ए ए वन ए है, तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में फोर, उसके अलावा सेकेंड टर्म याद करने के लिए ए टू ए प्लस डी ए प्लस डी, अब ए क्या है फोर है आपके पास और आपके पास डी क्या है प्लस का है माइनस के तीन दिया है, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है हमेशा हमेशा होता है माइनस, तो ये आ जाएगा एक, तो ए थ्री याद कर लेते हैं ए प्लस टू डी आएगा इसमें, तो यहाँ पे आपके क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा, एक की जगह फोर है वहां पे, उसके बाद आपको क्या करोगे प्लस टू इंटू डी क्या डी की वाली आपको देर बाद दे रखी वही माइनस तीन, तीन दुनी छे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा फोर माइनस तीन दुनी छे, तो यहाँ पे अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया जाए तो हमेशा माइनस का साइन आता है, यहाँ माइनस का साइन टू आएगा, एंड फोर तक ए फोर ए प्लस थ्री डी इक्वल टू फोर, ए क्या है फोर है और थ्री इंटू डी क्या है वही माइनस तीन, तो थ्री इंटू थ्री माइनस के नाइन और फोर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो फोर में से माइनस जाएंगे तो क्या माइनस की वैल्यू आएगी माइनस फाइव आएंगे, तो यहाँ पे आपकी एपी बन चुकी है, एपी बन चुकी है आपकी, एपी क्या बनी है फोर फोर वन माइनस टू माइनस फाइव, तो ये आपकी क्या ज्ञात हो चुकी है फोर टर्म ज्ञात हो चुकी है, एंड आते हैं सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन है इसका ही, ये है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में ए इक्वल टू माइनस वन ए इक्वल टू माइनस वन, और डी क्या है यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस और हाफ कितना है हाफ, तो यहाँ पे फोर टर्म ज्ञात करनी है, आप जानते हो एपी क्या होती है वही ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री कोमा ए फोर डॉट डॉट करके ए एन तक, ये कहाँ होती है ए एन तक होती है, तो उससे क्या ज्ञात करेंगे फर्स्ट टर्म क्या होती है ए वन ए इक्वल टू क्या होती है ए की वैल्यू माइनस वन, तो फर्स्ट टर्म होगी, ए टू क्या होती है ए प्लस डी, यहाँ पे ए क्या है आपके पास माइनस का वन प्लस डी की वैल्यू क्या है आपके पास हाफ, आप क्या करोगे यहां से इसका प्लस माइनस कर दोगे एलसीएम निकाल लोगे इसका, तो आप कैसे करोगे इसको यहां से आप एक मान लीजिए इनटू इसको इनटू कर दिए टू आ जाएगा, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा तो माइनस दो प्लस इसका इधर गुणा तो प्लस का एक प्लस का एक, तो माइनस दो में से प्लस एक गया तो माइनस का एक आता है हमेशा, तो माइनस वन बाई टू आएगा फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड थर्ड टर्म पे आते हैं ए थ्री, तो यहाँ पे ए प्लस टू डी आएगा, यहाँ पे एक की वैल्यू क्या है वही माइनस वन प्लस टू इंटू डी क्या है यहाँ पे हाफ, यहाँ से टू मर चुका है,
एंड क्या बचा, माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पे जीरो बचा है। ए फोर की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस थ्री डी, तो यह क्या होगा आपका माइनस वन प्लस उसके बाद आपकी थ्री इंटू हाफ, डी की वैल्यू क्या है हाफ है आपकी, यहां से आपके हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री अपॉन टू, यहाँ पे वन मान लो, वही मैंने अभी बताया आपको, वही बताया, इसको इससे इंटू कर लो टू, इसका इधर गुणा, इसे इधर मल्टीप्लाई प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई थ्री, तो टू में से थ्री जाएगा तो वन आया है, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। आपकी फोर टर्म ज्ञात हो चुकी है, फोर टर्म फाइंड हो चुकी है। तो अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, तो फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसका सेकंड का, तो फिफ्थ क्वेश्चन ए बराबर आपको दिया हुआ है गिवन, ये फर्स्ट टर्म है माइनस वन अपॉन टू फाइव, एंड आपके पास डी दिया हुआ है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, एंड इसके बाद आपको वही ए भी पता होना चाहिए, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव, तो इसका आपको जानते हो, और यहाँ डॉट डॉट के ए एन तक, इसका ए वन का फर्स्ट टर्म ए होता है आप जानते हो, फिर आपका ए टू का ए प्लस डी होता है आप ये भी जानते हो, ए थ्री का क्या होता है ए प्लस टू डी होता है ये भी आप जानते हो, ए प्लस फोर डी ये क्या होता है इक्वल टू ए प्लस थ्री डी होता है। तो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ए की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस वन अपॉन टू फाइव, उसके बाद आपके पास ए की वैल्यू क्या है माइनस वन अपॉन टू फाइव है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस डी की वैल्यू क्या है माइनस के जीरो पॉइंट टू फाइव, तो प्लस माइनस हमें क्या हो जाते हैं माइनस हो जाता है, माइनस वन पॉइंट टू फाइव और माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस आएंगे, और बड़ी संख्या क्या आएगी माइनस, तो क्या आएगा बड़ी संख्या माइनस की आएगी, तो यहाँ प्लस, तो यहाँ पे शून्य, यहाँ पे हो जाएगा फाइव पॉइंट वन माइनस के वन पॉइंट फाइव जीरो आएगा यहाँ पे। एंड थर्ड टर्म निकालते हैं, ए वन क्या है माइनस के वन बाई टू फाइव है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या है टू है, माइनस का जीरो पॉइंट टू फाइव इक्वल टू, अब इससे इसको इंटू करेंगे प्लस माइनस किया जाएगी, यहाँ तो पहले माइनस का आएगा वन पॉइंट टू फाइव, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पांच दुनी दस फाइव पॉइंट जीरो, तो आपका वैल्यू आगे आएगी यहाँ पे, यहाँ पे ये छोटी है ये बड़ी है तो वही माइनस की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आपके बचा क्या आपके बचा है फाइव, और यहाँ से थ्री बचा है आपके, यहाँ से आपके बचा है ट्वेल्व में से फाइव गया आपके ट्वेल्व में तो फाइव गया तो बचा आपके पास सेवन, सेवन पॉइंट जीरो माइनस जीरो पॉइंट सेवन फाइव बचा है आपके पास। लास्ट टर्म ज्ञात करते हैं, ए क्या दे रखा है आपको, ए दे रखा है माइनस वन पॉइंट टू फाइव प्लस थ्री इंटू जीरो पॉइंट टू फाइव इक्वल टू, यहाँ पे इसके इंटू कर देंगे प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस वन पॉइंट टू फाइव, यहाँ माइनस हुआ के लिए प्लस ये माइनस माइनस आ गया, इंटू कर देंगे यहाँ पे पाँच ये पंद्रह इक्यासी तीन तीन छः एक सात, यहाँ पे सात पॉइंट यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे उसके बाद माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ट्वेल्व में तो सेवन गए तो थ्री थ्री फाइव पॉइंट वन माइनस के वन पॉइंट सेवन फाइव जीरो, तो ये क्वेश्चन हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड का इसमें मैं बताना चाहता हूँ आपको, फोर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको इसमें क्या दर्शाना है, यहाँ पे आपको पहला पद ज्ञात करना है और इसका कॉमन डिफरेंस बोले तो सार्वंत्र ज्ञात करना है, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए पी दे रखा है आपको थ्री कोमा वन कोमा माइनस वन कोमा थ्री माइनस का डॉट 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 करके, तो यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है आपको, आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो ये वैल्यू है फर्स्ट, तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ इसमें फर्स्ट टर्म ज्ञात करनी है, तो ये वाली आपको पता है ए पी का फॉर्म क्या होता है, वही ए वन ए टू ए थ्री कोमा ए फोर ए फाइव ए फाइव डॉट डॉट ए एन तक होती है, तो यानी ए वन मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद क्या हो गया आपके पास ए,
हो गया 3। अब आपको कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है, मतलब ये होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस मतलब सार अंतर, इसको किससे पहले मिलते हो आप डी से, तो ये होगा आपके ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है यहाँ पे, ये आप तो ए टू माइनस ए वन सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो सेकेंड टर्म क्या है आपके पास वन वन, और फर्स्ट टर्म क्या है थ्री, तो ये आएगा आपके पास माइनस के टू, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या कहीं की माइनस की। तो आपको यही ज्ञात करना था, फर्स्ट टर्म ज्ञात करनी, तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, माइनस के फाइव कोमा माइनस के वन कोमा थ्री कोमा सेवन डॉट 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 करके यहां तक एपी जा रही है। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, एपी मैंने पहले बता चुका हूँ, अभी अगले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट यहाँ पे ए एन तक होती है, मतलब जहां तक आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट टर्म ए वन होती है, जो पहला पद हो गया ए, ये दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ए माइनस के फाइव दिया हुआ है आपको, इससे कंपेयर कर लीजिए। ए टू क्या दिया माइनस वन, तो आपको ए टू में से ए वन माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ए वन ए वन ए टू में से ए वन ए टू क्या है, ये रहा ए टू, ये रहा ए टू क्या है माइनस वन है, आपके पास माइनस का है तो माइनस का वन तो माइनस का फाइव, उसके बाद आप निकालोगे माइनस का, उसके बाद आप माइनस का वन माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आएगा प्लस का फोर, आपके पास क्या आएगा कॉमन डिफरेंस प्लस का फोर आएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोर्थ क्वेश्चन है इसका ही, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्या थर्ड है आपके पास, सेकंड कराया था मैंने, थर्ड क्वेश्चन है दिया हुआ है वन अपॉन थ्री कोमा वन फाइव अपॉन थ्री कोमा और अगला है नाइन अपॉन थ्री टर्म कोमा तेरह अपॉन थ्री डॉट डॉट कर यहां तक जा रही है। तो ये पहली वाली टर्म ये होगी, सेकेंड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी और फोर्थ टर्म ये होगी, तो आगे भी आ सकती है ये, आप निकाल सकते हो। तो आपको इसी सीरीज गिवन है, तो आप एपी जानते हो समांतर श्रेणी ए वन ए टू ए थ्री डॉट डॉट ए एन तक आती है। तो ये आगे फर्स्ट टर्म ए पहला पद ये दे रखा है वन अपॉन थ्री दिया हुआ है आपको। आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सेकेंड टर्म में से इस वाले टर्म में से इस वाले को घटा दो, मतलब इस वाली टर्म में से इस वाली को सब्ट्रैक्शन माइनस करना है आपको, क्या करना है सब्ट्रैक्शन माइनस करना है। तो a2 क्या है आपके पास इक्वल टू 5 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, अब यहां पे 3 3 है तो 3 लिख देंगे, वही 5 माइनस 1 तो 4 अपॉन 3, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई 4 अपॉन 3 वाला जो सार्वभौमिक a1 क्या है ये वाले। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में, तो आई होप मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन आता है आपके 0.6, 1.7 और उसके अलावा कोमा 2.8, 3.9 डॉट डॉट, तो आपके पास ये एपी होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेस मतलब समांतर श्रेणी, और मैंने ये बता ही चुका हूँ कि एपी समांतर श्रेणी की जो टर्म होती है क्या होती है एपी जनरल हो a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an तक होती है। तो आपके फर्स्ट टर्म क्या होती है ये वाली, आपके फर्स्ट टर्म क्या है ये 0.6 हो गई, उसके बाद सेकेंड टर्म आपको पता है 0.7 सेकेंड टर्म होगी। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दोगे, मतलब पहले पद दूसरे पद को पहले पद में से माइनस कर दोगे सब्ट्रैक्शन कर दोगे, तो सेकंड पद में से पहला पद, तो सेकंड ये रहा और फर्स्ट ये रहा, सेकंड 1/7 माइनस
0.6, तो आ चुका है आपके 7.6 या तो 1. ये आया है 1.1 आ चुका है आपके। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इस क्वेश्चन मार्क, इफ दे फ्रॉम एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म, मतलब थ्री मोर टर्म का कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। मैं हिंदी में भी लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन, तो आपको क्या ज्ञात करना है, एक आपके पास समांतर श्रेणी है और आपको एपी में से एपी फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस एपी है या नहीं है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सेम आता है एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक, मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी सेम आना चाहिए, थर्ड में से सेकंड को करेंगे तब भी कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, फोर्थ में से थर्ड को करेंगे तब भी सेम आना चाहिए। तो मैंने ये बोला है तो मैं इसको अभी बताऊंगा आपको बोर्ड पे, तो आप नोटिस कीजिएगा और लिखिएगा आपने। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके, देखा फर्स्ट क्वेश्चन 2, 4, 8, 16 ये दे रखा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, यह एपी है या नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस थ्री ज्ञात करना है, थ्री मोर टर्म। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के, तो आपको पता होगा एपी क्या होती है, एपी होती है A1, A2, A3, A4, डॉट करके AN तक, तो कहीं तक भी हो सकती है। तो पहले वाला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये हो गई। तो कॉमन डिफरेंस ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉमन डिफरेंस तो मतलब इसको डी से प्रेजेंट करते हैं, बोले तो सार अंतर, इसको कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, और थर्ड में से सेकंड को करेंगे तो भी डिफरेंस आएगा, फोर्थ में से थ्री को करेंगे तो भी डिफरेंस आएगा। तो मतलब इसमें हर जगह डिफरेंस अगर सेम आ रहा हो एपी में समांतर श्रेणी में तो वह एपी होगी, अगर नहीं आ रहा तो इट इज नॉट एपी। तो आता हूं मैं करता हूं, सेकंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्शन करने पर A2 माइनस A1, A2 क्या है आपके पास 4 माइनस 2, यहां पे आया आपके 2। उसके बाद मैं अगला D निकालना चाहता हूं, अगला सार्वंतर निकालना चाहता हूं, D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट थर्ड पद माइनस सेकंड पद। तो थर्ड टर्म के अंदर की आपको 8 दे रखा है, आपको 8 दे रखा है, और फोर्थ कर देंगे तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4 आ गया। और उसके बाद अगला डी निकाल लेंगे, A4 माइनस A3 इक्वल टू A4 क्या है 16, तो 16 लिख देंगे माइनस 8, तो 8 में से मान लेते 8। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा कि यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको यह बताया था कि कॉमन डिफरेंस डी हो रहा ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट में सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो हमेशा सेम आता है डी। तो यहाँ पे डी डिफरेंट आ रहा है, तो इट इज नॉट एपी, यह एपी नहीं हो सकती क्योंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दो, इट इज नॉट एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंट, ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो आपने आया हो, आपने को समझ में आया होगा अच्छी तरह से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, मैं थोड़ा असाइनमेंट देता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, आ चुका है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपको पता होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एपी, तो मैं अगला क्वेश्चन आ गया होगा 2, 5/2, 3, 7/2, यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दे रखी है। हाँ, ऐसा लगता है कि हो सकती है एपी या नहीं भी हो सकती है एपी, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट मैंने बताया था आपको एपी की जो टर्म होती है
ये होती है A1, A2, A3, A4, dot dot AN तक, कहीं तक भी हो सकती है। तो यहाँ पे ए फर्स्ट की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 5/2 है, A3 की वैल्यू 3 है, A4 की वैल्यू 7/4 है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और आप अगली टर्म निकालना चाहते हो थर्ड में से 2 को, फोर्थ को थर्ड में, ऐसे निकाल लो। तो मैं सेकंड को फर्स्ट में से सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं। सेकंड क्या है आपके पास 5/2 माइनस फर्स्ट क्या है, ये रही फर्स्ट 2। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस कुछ नहीं होता, इसके नीचे एक मान लो, इसका इधर गुणा 2 आया, इसका इधर गुणा 5 आया, इसका इधर गुणा माइनस का 4 आया, 2 1 2 4। तो यहां पे 1/2 कितना, 1/2 आया। आप क्या करो, थर्ड टर्म में से 2 सेकंड टर्म फाइंड करो, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या आपके पास 3 माइनस 5/2। उसके बाद क्या करोगे, मैंने बोला था आप कुछ भी नहीं है तो आप एक मान सकते हो, इस दर इस दोनों का गुणा 2 आ गया। उसके बाद इसका इधर मल्टीप्लाई 3 × 2 = 6, ये 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया गया 5, इसमें भी 1/2। उसके बाद फोर्थ वाली में से थर्ड वाली में हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो थर्ड वाली फोर्थ वाली क्या है 7/2 माइनस थर्ड। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे आप क्या मान लो, कुछ भी नहीं तो एक मान के चलो। उसके बाद क्या करो, इसका इससे इंटू कर दो 2 आ जाएगा। उसके बाद इससे इससे इसका इससे, तो 7 आ गया, इससे इससे इसका 6 आ गया, इसका भी आ गया 1/2। तो आपके कॉमन डिफरेंस हर बार 1/2 आ रहा है, तो यह कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो सकती है, इट इज एपी। यह क्या है, एपी है, मतलब समांतर श्रेणी, क्योंकि हर जगह इट इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ऐसे लिख दोगे आप, यह समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखाता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ये आ गया थर्ड, थर्ड थर्ड है आपके पास माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 3/2 कोमा माइनस का 5/2 कोमा आपके दे रखा है माइनस का 7/2 कोमा, ये आपकी एपी दे रखी है, डॉट डॉट कहां तक भी एन तक आ सकती है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अगले वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट AN। अगर आपको ये चीज समझ में ना आ रही हो ना, तो मैंने फॉर्मूलास की वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, आपको समझना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो या आपकी पिछली वीडियो में वो उसका लिंक दे रखा है मैंने, तो आप वहां जाकर देखिए और उसको अच्छी तरह समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पे आइए। तो आप आई होप आपको समझ में आ जाएगा फिर, तो अच्छी तरह यहाँ भी समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है यहाँ समझ में नहीं आ सकता आपको, ठीक है। और उसके बाद करते हैं, तो सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को, सेकेंड में से फर्स्ट को। तो सेकेंड क्या दे रखी है, माइनस के 3/2 माइनस, माइनस का फिर माइनस का ये दे रखा है 1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 3/2 प्लस 1/2 इक्वल, यहाँ पे वैल्यू आ गई है। अब ये बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या होगा, माइनस और माइनस का वैल्यू आएगी यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे क्या लिखते हो, 2 लिख सकते हो आप, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया। और आते हैं नेक्स्ट अगली टर्म पे, A3 में से A2 माइनस करने का, तो ये माइनस के 5/2 माइनस का और माइनस के 3/2 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस 3/2, तो यही माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस करेंगे तो 0. यहाँ से 2 माइनस का, तो यहाँ पे 0.0 हटा सकते हो आप, यहाँ भी माइनस 2 आया। तो अगली वाली टर्म निकालते हैं, फोर्थ में से माइनस ये थर्ड टर्म सब्ट्रैक्शन करने पर, तो थर्ड टर्म फोर्थ में से थर्ड, फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड ये नहीं, फोर्थ में से फोर्थ क्या है, माइनस के 7.2 माइनस का 5.2
एक बार दो प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस सेवन अपॉइंट टू प्लस फाइव बाई टू, तो यहाँ पे भी आपका माइनस का टू आएगा। तो आप इससे कॉमन डिफरेंस हर जगह देखो, आप कॉमन डिफरेंस हर जगह देखो, यहाँ पे भी आपके टू आ रहा है माइनस का, यहाँ पे भी टू आ रहा है और यहाँ पे भी टू आ रहा है, तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यह इट इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम सेम, तो यह एपी होगी, यह समांतर श्रेणी होगी क्योंकि हर जगह सार्वभौमांतर समान आ रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो आते हैं फोर्थ के अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है माइनस का टेन कोमा माइनस का सिक्स कोमा माइनस का टू कोमा टू, तो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, तो आई होप, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट ए एन तक, ए वन माइनस टेन ए टू माइनस सिक्स ए थ्री माइनस टू ए फोर टू। तो कॉमन डिफरेंस किससे फाइंड करते हैं आप, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर, अगला कॉमन डिफरेंस इसमें भी चेक करते हैं, इसमें से इसको फिर इसमें से इसको, तो पहला तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं, सेकेंड क्या देखिए माइनस का सिक्स माइनस का दे रखा, ए वन क्या है माइनस का टेन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का सिक्स प्लस टेन, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का फोर आ जाएगा, आपके पास क्या जाएगा प्लस का फोर आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद थर्ड में से, थर्ड कौन सी हुई, थर्ड ये वाली हुई, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, माइनस टू माइनस का ऑलरेडी है यहाँ पे, ये माइनस और माइनस यहाँ पे ही, माइनस का सिक्स सेकंड टर्म है और यहाँ पे आपके माइनस टू हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और सिक्स, तो यहाँ आ जाएंगे आपके फोर आ जाएगा, यहाँ पे भी फोर आ गया आपका। और लास्ट टर्म निकालते हैं, देखें यहाँ क्या है, यहाँ टू है प्लस का, यहाँ टू लिख दिया, यहाँ माइनस का और यहाँ माइनस का टू है, थर्ड टर्म माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का फोर, यहाँ फोर है। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आया है यहाँ पे, सेम आया है यहाँ पर भी, तो ये क्या हो सकता है, यह ए पी हो सकती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है, समांतर श्रेणी हो सकती है, क्योंकि सार्वभौमांतर हर जगह सेम आ रहा है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए आपके बुक में। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फिफ्थ नंबर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइन थ्री, फिफ्थ क्वेश्चन थ्री कोमा थ्री प्लस टू रूट थ्री कोमा कोमा थ्री प्लस टू रूट टू रूट टू रूट टू, यहाँ पे है क्वेश्चन दिया है थ्री कोमा थ्री प्लस रूट टू, रूट टू है ये, टू रूट थ्री है और उसके अलावा है थ्री प्लस थ्री रूट टू डॉट डॉट आगे तक जा सकते, तो ये तो रूट में देख दी, अरे यार क्या होगा, कोई बिल्कुल सरल है आपके रूट वाली, आप क्लास में नाइन्थ में अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन आ जाएगा आपको, अगर आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा भी नहीं होगा ना तो आप वैसे भी समझ में आ जाएगा, तो मैं इतनी अच्छी तरह से आपको बताने वाला हूँ आज। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने आपको ये तो पता ही होगा, मैं तो पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट डॉट ए एन, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके, और उसके बाद थ्री थ्री प्लस रूट थ्री कोमा थ्री प्लस टू रूट थ्री कोमा थ्री प्लस थ्री रूट थ्री डॉट डॉट कहाँ तक ए एन तक जा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, इसके ये ए पी है या नहीं ये तो फाइंड करना है अपने, तो इसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आएगा तो ये ठीक होगी, ए टू माइनस ए वन, तो अपने पास ए टू क्या दे रखा है यहाँ पे थ्री, ये थ्री ए टू ए टू ये दे रखा है थ्री प्लस रूट थ्री दे रखा है आप और माइनस माइनस दे रखा है ए वन, तो ए वन क्या है थ्री है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे थ्री है यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का, तो थ्री में से थ्री गए तो जीरो, तो बचा क्या आपके पास रूट थ्री बचा क्या बचा आपके पास रूट थ्री बचा, और उसके बाद अलावा ए थ्री ए थ्री क्या है यहाँ पे थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस, अब कोस्टर लगा देंगे और सेकंड टर्म लिख देंगे यहाँ पे
थ्री प्लस रूट थ्री। उसके बाद आप क्या करोगे, कोष्टक जैसे हटाओगे यहां से आपने क्या किया, कोष्टक हटा दिया। मैं इसको लिख देता हूँ ऑलरेडी दोबारा, थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस, तो माइनस ये माइनस रूट हटेगा अंदर वाली माइनस हो जाएगी, तो माइनस थ्री माइनस रूट थ्री। तो यहाँ तीन में से तीन गया तो ये यहाँ से ऑलरेडी कट जाएगा, इससे मर जाएगा ये। बचा क्या आपके पास, यहाँ पे बचा टू रूट थ्री माइनस का रूट थ्री। तो आपके यहाँ पे देखो अब इसको कैसे सोल्व करोगे, रूट को कैसे सोल्व करोगे, कैसे माइनस करोगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करोगे। तो आप क्या करना, यहाँ से आप जैसे रूट थ्री यहाँ भी रूट थ्री, तो रूट थ्री कॉमन ले लिया आपने, क्या ले लिया आपने रूट थ्री कॉमन ले लिया। यहाँ टू माइनस वन बचा है, टू में से वन गया तो वन, तो आपके पास क्या आया रूट का थ्री आया, आपके पास क्या आया रूट का थ्री आया ये वैल्यू, और आपके पास ये दो तो सेम आ गई। हाँ ये हो सकता है भी, तो लास्ट टर्म निकालते हैं बस। तो यहाँ से लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, तो ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर टर्म क्या है आपकी ये वाली, तो आपके पास थ्री प्लस थ्री रूट थ्री, और उसके बाद माइनस ये हो गया आपके फोर थर्ड टर्म थ्री प्लस टू रूट थ्री। अब आपके मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि इसमें से आप क्या करोगे, अंदर कोष्ठक हटाओगे तो अंदर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे थ्री प्लस थ्री रूट थ्री, अब यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे माइनस का थ्री हो जाएगा टू रूट थ्री। अब थ्री में से थ्री गया तो ये तो हट जाएगा ऑलरेडी, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ये वाली, तो यहाँ पे थ्री रूट थ्री बचा है और माइनस का वैल्यू है टू रूट थ्री। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे रूट थ्री है, यहाँ भी रूट थ्री कॉमन है, तो इक्वल माइनस रूट थ्री कॉमन ले लोगे, रूट थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ पे थ्री बच गया टू बच गया, थ्री में से टू गया तो वन आ गया, तो आपके पास क्या बचा गया रूट थ्री, रूट थ्री। तो मैंने डेस ये डबल लगा रखा है ये वाले, तो हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देखो यहाँ भी रूट थ्री आया, यहाँ भी रूट थ्री आया, यहाँ भी रूट थ्री आया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, नहीं समझ में आया हो तो आप बैक जाके वापिस समझिए इसको और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पे। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे लिख चुका है मैंने, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके पास माइनस, ये माइनस क्या सॉरी 0.2, 0.22, 0.22 आएगा। तो उसके बाद आप एपी ए वन ए टू ए थ्री घुमा एम, आप जानते हो इसको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, तो अर्थमेटिक मतलब समांतर श्रेणी। तो यहाँ पे आपको कॉमन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है आपको ये फाइंड करना है, तो इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल लो। आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्शन कर दोगे माइनस कर दोगे, थर्ड में से सेकेंड ट्रिप माइनस कर दोगे, फोर्थ में से थर्ड, ऐसे करके एक दो टर्म तक निकालो आप, तो वहां तक आपको जहां तक आ जाए तो ये होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर डी सेम आए तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस बोले तो सार अंतर, आपको क्या फाइंड करना है सार अंतर। तो ए टू माइनस ए वन, तो ए टू क्या है आपके पास 0.22 माइनस ए वन क्या है 0.2, तो यहां पे आएगा आपकी वैल्यू 0.02, क्या आएगा आपको माइनस करने पर 0.02। आपको बता देता हूँ कैसे माइनस होता है 0.22, तो आपकी पॉइंट वाली है ना, तो पॉइंट वाली सिंगल यहाँ लिख दो, टू यहाँ लिख दो, यहाँ पे जीरो लिख दो, टू का टू यहाँ पे लिख दो आप यहाँ पे, और टू में टू गया 0.0, ऐसे फाइंड करता है आप माइनस। तो आई होप आपको तो आता होगा, बट कोई स्टूडेंट ऐसे जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए तो यहाँ पे देख लेना। तो उसके बाद ये आ गया डी की वैल्यू, ये आ गई डी की वैल्यू, और अगले डी की वैल्यू आप निकालोगे ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री ए टू, ए थ्री क्या है टू 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 माइनस 0.222, तो यहाँ से आपके आएगा 200.0। तो देखो डिफरेंस आ गया यहाँ पे, डिफरेंस लगे तो ये तो यहाँ से तो ही, तो चलो लास्ट टर्म निकाल लेते हैं डी इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, यहाँ पे आएगा आपके 0.22 माइनस 0.222, तो यहाँ पे आएगा 0.2 नहीं 0.002,
तो ये आ गए। तो हर जगह आप देखो कॉमन डिफरेंट 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 है, तो ये है एक ए भी नहीं हो सकती, इट इज नॉट ए पी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट डिफरेंट। ये समांतर छेद नहीं हो सकती, देखिए सार्वअंतर अलग अलग है, यह यह ए पी बोले तो समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि क्योंकि डी मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर अलग अलग आ रहा है। इट इज नॉट एपी बिकॉज डी कॉमन कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट डिफरेंट। ये कॉमन एपी नहीं हो सकती। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रफली कर देता हूं मैं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके आपके दे रखा है सेवन सिक्स का दे रखा है, उसके बाद सेवन सेवन है माइनस वन अपॉन यहाँ पे है आपके जीरो पॉइंट माइनस का वन अपॉन फोर माइनस का एट माइनस का ट्वेल्व आपके ये है। तो डॉट 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 आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन भी। तो उसके बाद आपको क्या निकालोगे, वही कौन ए पी है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोडक्शन है या समांतर श्रेणी है या नहीं, ये निकालोगे। ए टू में से ए वन शून्य जीरो ए टू में से ए वन माइनस कर दो ए टू तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो माइनस का फोर माइनस जीरो तो माइनस का फोर ए थ्री में से ए थ्री में से एफ टू माइनस कर देंगे तो माइनस का एट माइनस का फोर आ गया तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा फोर माइनस का एट। यहाँ पे देखो आप माइनस की संख्या है क्या है, माइनस की संख्या है, यहाँ प्लस की संख्या है तो आप क्या माइनस का फोर आएगा, यहाँ की बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस होगा। उसके बाद फोर ट्वेल्व में से माइनस ट्वेल्व में से माइनस करके माइनस एट माइनस माइनस में से क्या होता है प्लस होता है तो यहाँ प्लस कर दिया और ट्वेल्व में से एट माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे बड़ी संख्या क्या है ट्वेल्व तो यहाँ पे माइनस ही आएगा तो माइनस के फोर। इट इज ए पी यह ए पी है मतलब समांतर श्रेणी है क्योंकि सार्वअंतर समान है, यहाँ पे समान है। ये क्यों है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कॉमन डिफरेंस अगर ए पी में वो कोई अर्थमेटिक प्रोडक्शन तब होगी जब सेकंड में से थर्ड फर्स्ट थर्ड में से टू इनमें जो आएगा आपके सब्ट्रैक्शन करने पर वो सेम आना चाहिए समय तब तो ये कॉमन ही होगी अर्थमेटिक प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेम ही आ रहा है तो यह समांतर से सार्वअंतर समान है यह अर्थमेटिक प्रोडक्शन है। इट इज एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम सेम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब ये है माइनस का वन बाय टू माइनस के वन बाय टू माइनस का वन बाय टू माइनस के वन बाय टू हर जगह माइनस का वन बाय टू आ रहा है तो टू में से फाइव वन को माइनस करेंगे यहाँ पे टू माइनस और माइनस वन बाय टू यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाय टू माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस ये वन बाय टू इसमें से इसको कटाएंगे तो जीरो आएगा शून्य। उसके बाद थ्री में से टू को कटाएंगे वही संख्या आ रही है हर जगह माइनस 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 हर जगह सेम आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू वन बाई टू तो यहाँ भी जीरो आएगा ये कट जाएगा क्योंकि इसमें से इसको कटाएंगे जीरो आएगा तो यहाँ पे भी ये वही से आएगा वन बाई टू इज वन बाई टू इक्वल टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू जीरो इससे भी कट जाएगा तो हर जगह जीरो आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको फॉर्मूला में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो वैल्यू होती है कॉमन डिफरेंस बोले सार्वअंतर की वो माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है और शून्य मतलब नेगेटिव यो शून्य मतलब जीरो भी हो सकती है तो यहाँ जीरो आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव शून्य जीरो वो भी सकते है। पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वन
तो नाइन क्वेश्चन लगा रहा हूँ, नाइन क्वेश्चन है आपके पास, तो 1, 3, 9, 27। तो आपके आप देख रहे होंगे ये 3 है, ये 9 है, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है ये, तो आपके पास ए पी होगी या नहीं होगी। तो 8, 2 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटा दो 2 आएगा, 9 में से 3 घटा दोगे आप तो आपके पास आएगा 6, आपके पास 27 में से 9 घटाओगे, 9 घटाओगे तो आपके पास क्या आएगा ये, तो आपके पास आएगा 12। तो इट इज नॉट ए पी, इट इज नॉट ए पी, यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि समांतर अलग 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 आ रहा है। कोमा इट इज ए पी, इट इज नॉट ए पी, नॉट ए पी ए पी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट डिफरेंट, यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए ए 2a 3a 4a 3a 4a, तो आपको फाइंड करता हूं मैं, ये a1 ये a2 है, तो यहां पे a2 में 7, a2 में 7 फाइंड माइनस कर दो a, तो यहां पे 2a में से 1 ही गया तो 2a, 1 ही गया तो 1 ही बच जाएगा, यहां पे 3a में से 3a ये a, तो यहां पे 2a बच जाएगा, 3a में से 3a है और 1 ही घटा कर जा, 3 से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, यहां पे 4a माइनस 3a तो क्या बच गया यहां पे आपके 1a, यहां पे क्या बच गया आपके, ओ यहां पे आपके 2a आएगा ना, आपके यहां पे भी a आएगा, सॉरी सॉरी यहां पे आपके 3a, यहां पे आपके a आएगा, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, तो यह समांतर श्रेणी है क्योंकि समांतर समान है, और इट इज ap बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि यह समांतर श्रेणी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको रूट, रूट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, आपको दिया हुआ है ये रूट 2 रूट 8 कोमा रूट 18 कोमा रूट 32 डॉट डॉट यहां तक आई, और उसके बाद आपने मैंने बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, आपको यही फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप, इसमें से इसको सबट्रैक्शन कर दोगे, माइनस कर दो, कैसे माइनस करेंगे इसमें, हाँ कुछ प्रॉब्लम आएगी आप, तो आप क्या कर सकते हो इस 8 को कैसे लिख सकते हो आप 4 into 2, इसको अंदर 4 into 2 लिख सकते हो, माइनस का 2, हाँ तो उसके बाद क्या करोगे आप 4, हाँ इसको अलग अलग कर सकते हो आप 4 into √2 - √2, इसकी प्रॉपर्टी होती है अलग अलग लिख सकते हो आप इसको रूट में। अब 2 का स्क्वायर होता है रूट, अब तुम्हें पता होगा कि रूट अगर 4 का स्क्वायर इससे कट जाता है क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, इससे कट जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ से 4 था 4 को मैंने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर इससे काट दिया तो 2 आ गया, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा √2 - √2, यहाँ पे √2 कॉमन है √2 कॉमन ले लिया, यहाँ 2 - 1 तो यहाँ बचेगा √2, तो आया आपको समझ में। तो अगला नेक्स्ट रो को करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, तो देखो अब इसको समझ में आया होगा तो ठीक है, अगला और बताता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ मैं d बराबर a3 - a2, a3 क्या है मेरे पास 18 है और a2 8 है, तो देखो आप मैं 18 को कैसे लिख सकता हूँ और 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ मैं, 8 को तो मैं ऐसे लिख दूंगा अभी देखो वही 4 into 2 और माइनस 18 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 into 9 लिख दिया मैंने, तो 2 into 9 9 18 होते हैं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √2 into √9 - √4 into √2, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हट जाएगा इन 9, 3 इधर आ जाएगा,
तो यहाँ पे थ्री रूट टू आ जाएगा, ये वाला ये जिसका होता है थ्री हो जाएगा, इसका इसका क्या हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा क्योंकि रूट से कट जाएगा थ्री, तो कट जाएगा यहाँ से थ्री आगे आ गया रूट टू बच गया, यहाँ पे इसका टू हो जाएगा तो टू आगे जाएगा टू रूट थ्री। तो यहाँ से आपके क्या आया, हर जगह क्या आ रहा है आपके, यहाँ पे आया आपके टू रूट टू, तो यहाँ पे रूट टू यहाँ पे रूट टू, रूट टू को मैं ले लिया आपने तो थ्री बच गया और यहाँ से टू बच गया, तो यहाँ से माइनस किया तो आपके पास क्या आया रूट का टू आया। तो उसके बाद नेक्स्ट वो निकालते हैं रूट थर्ड टर्म निकालते हैं, ये एपी है या नहीं ये चीज निकालेंगे। उसके बाद देखो आप डी बराबर ए फोर माइनस ए थ्री, ए फोर क्या है आपके माइनस के थर्टी थर्टी टू माइनस एटीन, तो मैंने अभी थर्टी टू का मैं बताता हूँ आपको, तो किसे करना है तो सोलह इंटू टू कर सकते हो आप, माइनस अठारह का कैसे कर सकते हो आप, अठारह का ही किया था टू इंटू नाइन किया था। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद यहाँ पे आते हैं सोलह को, सोलह को सोलह लिख दिया, पता है सोलह किसका स्क्वायर होता है माइनस टू इंटू रूट नाइन। अब देखो सोलह किसका होता है फोर का इंटू, अब यहाँ रूट टू आ जाएगा फोर रूट टू, यहाँ पे देखो चार का सोलह किसका होता है चार का रूट टू, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पे तीन हो जाएगा तीन आगे आ जाएगा रूट टू, यहाँ पे क्या कॉमन आया यहाँ रूट टू कॉमन आया, यहाँ फोर माइनस थ्री तो फोर में से थ्री गएगा तो इवन भी जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपके रूट टू आ रहा है, तो रूट टू आया यहाँ पे भी आपका, इसमें भी रूट टू आया इसमें भी रूट टू आया, हर जगह आपकी डी की वैल्यू सेम आ रही है, तो ये क्या है आपके ए पी है, बोले तो सार्वंतर है समांतर श्रेणी, तो आप लिख दो इट इज ए पी बिकॉज 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 कॉमन डिफरेंट इज सेम सेम, यह समांतर श्रेणी श्रेणी होगी क्योंकि यहाँ पे सारों अंतर सेम सेम क्या समान है समान है, ये लिख दोगे तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो आपके दिया हुआ है स्क्रीन पे आ चुका होगा रूट थ्री कॉमा रूट सिक्स कॉमा रूट एट कॉमा रूट रूट सिक्स कॉमा रूट नाइन है रूट ट्वेल्व नॉट आउट। अभी एक भी है आपके पास नॉर्मल कंडीशन आप जानते होंगे, कॉमन डिफरेंस भी आप जानते होंगे क्योंकि मैं सार्वंतर इतनी देर से बता रहा हूँ। उसके बाद ए टू में से ए वन माइनस सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो मैं ए टू सिक्स है और माइनस ये थ्री है, यहाँ मैं थ्री इसको कैसे लिखता हूँ, तो मैं सिक्स को कैसे लिखता हूँ, मैं लिखूंगा अब ये तो देखो आप नॉर्मल देख सकते हो सिक्स में से मैं रूट का थ्री नहीं जाएगा, आपको इसको घटाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो सिक्स को कैसे करो आप लिख सकते हो थ्री इंटू टू ऐसे लिख सकते हो और माइनस रूट थ्री, और आप किसके अलावा क्या कर सकते हो इसको रूट का अलग अलग रूट थ्री इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री, तो आप क्या करोगे यहाँ से भी रूट थ्री यहाँ भी रूट थ्री, रूट थ्री कॉमन ले लिया आपने, यहाँ भी रूट थ्री यहाँ भी रूट थ्री, ये वाला कॉमन ले लिया, तो यहाँ की वजह ये रूट थ्री बच गया रूट टू बच गया रूट थ्री नहीं रूट टू, यहाँ बच के रूट थ्री आ गया तो कुछ भी नहीं है, यहाँ एक मान लें एक वजह, तो यहाँ पे रूट थ्री यहाँ पे क्या वजह एक वजह है, तो यहाँ पे थ्री रूट टू वन ये बच गया। तो आते हैं नेक्स्ट अगला ये आ गया, तो अगला वाला डी सार्वंतर निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री क्या है आपके पास रूट नाइन माइनस रूट सिक्स भी, इसको भी निकाला सकते हैं आप क्योंकि ये रूट में है, तो नाइन को कैसे लिख सकते हो आप रूट नाइन, तो किसका हो जाता है रूट थ्री का हो जाता है, थ्री रूट नाइन थ्री का स्क्वायर होता है ना तो कट जाता है माइनस टू
थ्री सिक्स, सिक्स सिक्स क्या होता है आपके पता होगा आपको, मैंने भी किया था, टू इंटू थ्री, तो आप कैसे कर सकते हो इसको, इसको लिख सकते हो आप थ्री माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री, ये लिख सकते हो। यहाँ से थ्री कॉमन आ रहा है, नहीं यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आपके रूट इस सिक्स ही आएगा, यही आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, इसमें ही आ रहा है। तो उसके बाद डी अगला पद ए फोर माइनस ए थ्री ये आ रहा है। उसके बाद क्या करोगे आप, ए ट्वेल्व माइनस ए नाइन, ए ट्वेल्व को कैसे लिख सकते हो आप सिक्स इंटू टू माइनस नाइन, नाइन का क्या हो जाता है आपके थ्री हो जाएगा, नाइन का क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। और उसके बाद आप कैसे लिखते हो इसको सिक्स इंटू रूट टू माइनस थ्री। उसके बाद कैसे लिखते हो आप इसका, इसका क्या कैसे लिखते हो, इसका ऐसे लिखोगे रूट टू इसका बारह, तो वही उसको ऐसे लिख दो आप, इसको लिख सकते हो थ्री इंटू बारह, बारह थ्री इंटू टू, तो टू इंजा टू, यहाँ पर टू आप यहाँ पर फोर कर लो, यहाँ पर फोर कर लो आप, यहाँ पर फोर कर लो तो ये टू हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचा टू, यहाँ के फोर का फोर होता है टू का होता है, तो टू बार आ जाएगा, रूट थ्री बच जाएगा माइनस थ्री, ये आ गया आपको। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस ये आया, एक यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, हर जगह अलग अलग है, क्योंकि ये इट इज़ नॉट एपी बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे क्या है सार्वंत्र अलग अलग है, इट इज नॉट एपी, ये सार्व श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है आपकी बुक में, आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कोमा थ्री का स्क्वायर कोमा फाइव का स्क्वायर कोमा सेवन का स्क्वायर कोमा डॉट डॉट। तो वन का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर, अब इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं हाँ इसको ऐसे घटा दूँ, वहाँ पे घटा दूंगा, चेंज कर दूंगा, तो इसमें सारा अंतर ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंट थ्री स्क्वायर में से वन स्क्वायर माइनस करना है, थ्री स्क्वायर में से वन स्क्वायर माइनस करता है, इसको कर नहीं सकते, स्क्वायर चेंज करना पड़ेगा, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, वन का स्क्वायर होता है वन, एट आया यहाँ पे। उसके बाद फाइव का स्क्वायर में से थ्री के स्क्वायर को माइनस करना है, उसके बाद क्या करोगे थ्री, थ्री में से टू को माइनस करोगे, फाइव का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर होता है ट्वेंटी फाइव, नाइन का स्क्वायर होता है नाइन, तो आपके पास आएगा ये आपके पास आया नाइन गया तो टेन, तो आपके पास बच चुका है ये करीबन सोलह, आपके पास सोलह बच चुका है। तो उसके बाद ए फोर सेवन का स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर, ये आया फोर्टी नाइन आ गया, यहाँ पर पच्चीस आ गया, आपको बचा फोर, यहाँ बचा टू, तो हर जगह कॉमन डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो क्या होगा ये एपी नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हो आप इट इज नॉट एपी, एपी बिकोज, बिकोज बिकोज कॉमन, कॉमन डिफरेंट इज डिफरेंट, डिफरेंट यह समांतर।